गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, थोड़ा बैठूँगी धूप में 4-5 मिनट, उसके बाद जो कि अंदर का काम करूँगी, मैं चाय पीऊँगी। तो सुबह का काम स्टार्ट हो चुका है मेरा, और आज जो कि मैंने, क्योंकि आज हस्बैंड गए हैं, कितने बजे, 5 बजे गए हैं, तो इस वजह से फिर मैं सुबह उठ के फिर मैंने झाड़ू पोछा किया नहीं, एक साथ अभी करूँगी मैं। और यहाँ पे मेरा पैर का जो आलता है ना, वो अभी तक नहीं गया, तो घिस भी नहीं रही हूँ मैं, जितना दिन है सही है, ओके है, अच्छा लगता है यार, साल में एक बार तो मैं आलता लगाती हूँ, ऊपर से पोछ दूँगी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और आज ठंड है, मतलब बारिश के बाद ना ठंड गिर गया है, तो फिर मैंने एक स्टॉल निकाला है, और दरवाजे के कोने में मैं भी बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगाया, तो उधर का भी झाड़ू लगवाना है मुझे। और यहाँ देखो कितना धूल निकला है, वो दिखा नहीं आप सबको, दिखाया नहीं मैंने। और यहाँ पे अभी जो कि मैं थोड़ा बिस्तर को ठीक कर रही हूँ, ऐसे तो ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा कोने कोने से ठीक करना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि मैंने तह लगा के अभी अलमीरा में रख दिया है। और यहाँ पे मेरा एक गाउन है, चुन्नी है, हस्बैंड का टॉवल है, और मेरा जो ये बैग है ना, इसको क्लीन करना है मुझे, मतलब भर गया है कचरा मतलब कचरा नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट है, बट जो कि बिल विल होते हैं ना, वो फेंकना है मुझे। वो बिल देख के ना एक तो सर में दर्द हो जाता है मेरा, मतलब इतने हॉस्पिटल में इतने बिल होता है ना, मतलब एक एक दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये बिल बन जाता है मेरा। आपको मैं किसी दिन पक्का शेयर करूँगी कि मेरा हर महीने 2-2.5 हज़ार रुपये बिल हो जाता है, हर महीने, मतलब दो हफ्ते में 2-2.5 हज़ार रुपये बिल हो जाता है, क्योंकि एक एक इंजेक्शन 500 का लगता है। सो हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता, दो इंजेक्शन, तो दो हफ्ते में कितना हुआ, 2000, यू नो कितना होता है। सो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए दो हफ्ते में 2000 रुपये अगर खर्च हो, ठीक है, 2 हफ्ते में 2000 रुपये, तो समझ लो 4 हफ्ते के 5 हफ्ते होते हैं एक महीने में, तो कितना पैसा खर्च होता है, 5-6 हज़ार रुपये तो हर महीने खर्च हो जाता है। और मेरे हस्बैंड की सैलरी, आधी सैलरी जो है ना, वो सारी की सारी सैलरी इसी में ही डूब जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है, किसी किसी महीने अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है, किसी किसी महीने में 2 अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं, किसी किसी महीने में 1 अल्ट्रासाउंड, उसके बाद 2800 का, एक मिनट मैं बिल दिखाती हूँ मैं आपको। तो कुछ बिल जो है वो सारे कुछ खो गए हैं, कुछ इधर उधर है, अभी ढूंढना है मुझे, तो ये इतने नहीं है, कम से कम बहुत सारे हैं। सो मैं आपको दिखा दूँ, ये है 264 का है ये, ठीक है, ये है लास्ट, कब का है ये, देखने दो, लास्ट तो लिखा है यार, हाँ ये दिखेगा नहीं आप लोगों को यार, बहुत छोटा छोटा है, 89 2021 का है, और ये है 290 299, उसमें लिखा नहीं था, उसमें छोटे से अक्षर में लिखा है, इसमें उन लोगों ने पेन से लिख रखा है 290, ये भी अक्टूबर का है, ये कब का है, ये भी अक्टूबर का है, सारे गाइस मैं आपको जितने भी दिखा रही हूँ सारे अक्टूबर के हैं। सो 210 देख सकते हो, 210, ओके, और ये कब का है, ये भी अक्टूबर का है, 650, 650, 650, हाँ 650, एंड
ये है, ये भी है, अक्टूबर का ही है गाइस। आपको शायद दिख जाए, भगवान करे आपको शायद दिख जाए, 2150 अक्टूबर का, सोचो। ये भी अक्टूबर का है, अभी तो आपको मैंने अगस्त का नहीं दिखाया। हाँ, अगस्त से मैं अपना इलाज शुरू कर रही हूँ, और ये भी अक्टूबर का है, 2820। यू नो, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और क्या होता है यार, मैं ये सोचती हूँ। ये तो बिल है, ये तो दवाई का बिल होता है, एंड सेकंड है इंजेक्शन का 500 लगता है, और थर्ड है अल्ट्रासाउंड, जो कि थैंकफुली 600 लेते हैं, 600 से ज़्यादा नहीं लेते हैं वो लोग, थैंकफुली। अब समझ सकते हो कि मेरे इस अक्टूबर में ही कितना खर्चा हो गया, कितना मतलब मेरा मेडिसिन में गया है। तो किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या है क्या नहीं। काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है कोई फाइनेंशियल। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, अब ये मत सोचिए कि हम हमें क्यों दिखा रही है, क्यों क्या है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना सारा मेडिसिन, इतना सारा कुछ अफोर्ड करना बहुत प्रॉब्लम की बात होती है। यार हो रही है, अभी क्या करें। मेरे हस्बैंड जो कि पैसा नहीं देखते हैं, वो बस ये सोचते हैं कि ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पैसा कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा है कि मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है, कितना हुआ है, बट हाँ मैं ज़रूर देखती हूँ कि मेरा इतना खर्च हुआ है। अब हस्बैंड चाहे दिखाए या ना दिखाए, वो अपने मन की बात शेयर करे कि ना करे, बट मैं ज़रूर करती हूँ। मैं मतलब होता है ना वाइफ लोग को। अभी ना मैं थोड़ा बैठी हूँ धूप में, धूप लगा ली हूँ क्योंकि ठंड है यार, अंदर काफ़ी ठंड है। अभी ठंड पड़ गई है, अभी अक्टूबर है तो ठंड पड़ गई है, थोड़ी बहुत पड़ी है, बट मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। और मैं बैठी हूँ अभी गार्डन में अपने, और गार्डन में काफ़ी अच्छी धूप है, और क्या है थोड़ा दिखा दूँ आपको मेरा गार्डन का लुक। यहाँ पे ना गोभी लेके आया है फल, तो ये कल मैंने खरीद के रखा था वाले घर पे, तो फिर मैं भूल गई थी लाना। फिर एक ऑरेंज अभी खाऊंगी, एक केला अभी खाऊंगी, और एक पापा ने मेरे को अनारस खरीद के दिया था, बहुत खाने का मन कर रहा था मुझे, तो फिर अनारस दिया मुझे, पाइनएप्पल दिया मुझे, तो फिर हल्दी आएंगे तो काट के खाएंगे फिर।